हेलो एवरीवन आई एम मोहम्मद अयाज़ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस वीडियो इज़ अबाउट आर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे जो आ, 15 से 20 लेक्चर्स होंगे पहले वो आर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही होंगे पर्टिकुलरली फर्स्ट आर्डर आर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो आर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने से पहले मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करूँगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन uh, जो है बेसिकली अगर uh, इंतहाई आसान अल्फाज में मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा ऐसे इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव्स हों तो उस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं एन इक्वेशन विच इन्वॉल्वस डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशियल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अगर उसके अंदर डेरिवेटिव हैं तो उसको हम डिफरेंश इक्वेशन कहेंगे या फिर उसके अंदर डिफरेंशियल हों तो वो तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है प्रॉपरली अगर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करें तो उसके लिए आ, मैं सबसे पहले तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ फर्स्ट वन इज़ वन डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल नंबर टू डेरिवेटिव्स नंबर थ्री वन आर मोर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ठीक है ये तीन पॉइंट्स जो हैं अगर मैं इन तीन पॉइंट्स को कंबाइन कर लूँ दिस वन प्लस दिस वन कंबाइन कर लूँ तो मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डेफिनेशन है वो मिलेगी यहाँ पे एक बात आप याद रखें कि मैंने वन डिपेंडेंट वेरिएबल कहा है तो ज़रूर नहीं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमेशा वन डिपेंडेंट वेरिएबल हो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो सकते हैं और आगे चल के हम इसकी जो क्लासिफिकेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की हम उसमें चल के डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस भी करेंगे ठीक है तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल हों और उनके डेरिवेटिव्स हों और वो डेरिवेटिव्स वन आर मोर इनडिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट हूँ तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉरी uh, ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू वन आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम्पल वन जो है एग्जाम्पल्स वन uh, जो है ये है मेरे पास दिस इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एग्ज़ाम्पल टू जो है ये है मेरे पास डी वाई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई डी ऑफ एक्स हमने कहा था ना कि अगर इक्वेशन के अंदर डिफरेंशियल आ जाएं तो वो इक्वेशन जो है वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही कहलाएगी इसी तरीके से मैं एग्जांपल थ्री जो है ये ले लेता हूँ मैं दिस इज़ एक्स डी वाई अवर डी एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू थ्री और एक और मैं ले लेता हूँ नंबर फोर दिस इज़ वाई ट्रिपल प्राइम प्लस टू वाई डबल प्राइम स्केयर प्लस वाई प्राइम इज़ इक्वल टू काज एक्स ठीक है इस तरीके से आप बाकी और भी ले सकते हैं डिफरेंशियल uh, इक्वेशन की एग्जांपल्स देख सकते हैं तो ये तीन uh, चार जो uh, इसकी एग्जांपल्स हैं uh, ये जो एग्जांपल फ़ोर है इसमें मैंने प्राइम नोटेशंस को uh, जो है ना प्राइम नोटेशन से इसमें मैंने डेरिवेटिव्स को रिप्रेजेंट किया है ठीक है बाकी यहाँ पर देख लें इधर देख लें दीज आर लेबल नोटेशंस तो अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डेरीवेटिवस को डी वाइबर तो इसको कहते हैं या डी टू वाइबर डी एक्स के है? या इस तरीके से बाकी के लिए भी आप लिख सकते हैं तो इनको कहते हैं लेबनज नोटेशन और अगर वाई प्राइम वाई डबल प्राइम वाई ट्रिपल प्राइम लिखें तो इसको कहते हैं प्राइम नोटेशन ठीक है आ, अच्छा जो इम्प्लीसिड फॉर्म है ना फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की वो कुछ इस तरह से है कि आपके पास हाँ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई और डिपेंडेंट uh, वेरिएबल का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू इनडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और दिस इज फंक्शन इक्वल टू जीरो इसको कहते हैं इम्प्लीसिट फॉर्म इम्प्लीसिट फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफ़रेंशियल इक्वेशन ठीक है इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अब नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन।, 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 इक्वेशन पूरा लिखने के बजाय मैं जस्ट शॉर्टकट लिख रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसकी दो टाइप्स हैं नंबर वन Ordinary Differential Equation or uh, this is number one, number two, Partial Differential. इक्वेशन ठीक है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी के लिए इसको मैं लिखूँगा ओ डी से ओ डी ई ठीक है मैंने सामान लिखा है क्योंकि ये आसान है ज़रा मेरे लिए लिखना आप कैपिटल में लिख सकते हैं ठीक है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इसको मैं लिखूंगा पी PD. डी पी डी ई ठीक है ये भी मैंने समाल में लिखा है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को ओडी से रिप्रेजेंट करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को पी से हम रिप्रेजेंट करेंगे लेट्स डिफाइन वन बाय वन तो फर्स्ट हम ओडी को डिफाइन करते हैं तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में नंबर वन जो हमारे पास है वो होता है ऑर्डिनरी डेरीवेटिव ठीक है यानी इसकी डेफिनेशन के अंदर जो पहला पॉइंट है वो है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव नंबर टू ऑनली वन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें हमेशा एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा नंबर थ्री वन आर मोर एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इन तीन पॉइंट्स को मिला के हम इसको डिफाइन कर सकते हैं फर्स्ट वन ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स मीन नॉट पार्शल डेरीवेटिव क्लियर ठीक है तो ओडी के अंदर ऑर्डिनरी डेरीवेटिव होते हैं एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ठीक है तो अब मैं डिफाइन करता हूँ प्रॉपरली इसको ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच ऑर्डिनरी डेरीवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ऑनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर इज कॉल्ड इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के ऑर्डिनरी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद हों तो ऐसी इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे ठीक है एग्जाम्पल अगर मैं इसकी uh, लिखूँ तो नंबर वन जो एग्जांपल्स में नंबर वन जो है मेरे पास आ, वो है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव यही आप ले सकते हैं इनफैक्ट दिस इज़ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है ठीक है इसी तरह से आप इसमें लिख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मैं लिखवाने जा रहा हूँ वो है डी एक्स अवर डी टी प्लस डी वाई अवर डी टी इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई ठीक है ये एग्जाम्पल जो है ये आपकी डेफिनेशन के कंसेप्ट को मज़ीद क्लियर करेगी मैंने लिखा था कि वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं तो यहाँ पे देखें x और y ये दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं जबकि t यहाँ पे इनडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा एक होगा और डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ठीक है जो कि इस इक्वेशन में है इसी तरीके से अगर कोई और एग्जांपल मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ वाई डबल प्राइम स्क्र प्लस प्राइम क्यूब प्लस थ्री वाई इक्वल टू ज़ीरो ठीक है प्राइम नोटेशन में ये तो ये भी हमारे पास आ, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल इस के से बेशुमार आप लिख सकते हैं नोट में आप लिख लें ये बात आप याद रखें बेशुमार जो एग्जाम्स होते हैं या फिर वाइबा वगैरह इनमें ये पूछा जा सकता है तो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स वाई ये है हमारे पास जनरल फर्स्ट ऑर्डर ओ डी जनरल फर्स्ट ऑर्डर ओ डी ई ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई यह आपसे एग्ज़ाम में या कोई किसी टेस्ट वगैरह में जो है ना ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है तो जनरल फर्स्ट आर्डर ओडी डी जो है डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू तो एफ ऑफ एक्स वाई है और इसी तरीके से अगर जनरल सेकंड ऑर्डर ओडी डी लिखा जाए तो उसके लिए जस्ट हमने इसको ऐसे लिखना है एफ ऑफ एक्स वाई और वाई प्राइम ठीक है तो ये है हमारे पास जनरल सेकेंड ऑर्डर ओ डी अब हम मूव करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं जस्ट पीडी लिखूंगा ठीक है इसकी डेफिनेशन के लिए दोबारा मैं आ, इसी तरह से तीन पॉइंट्स को लिखूंगा पहला पॉइंट जो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से ही है कि इसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स ठीक है नंबर टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल ठीक है ये जो दूसरा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्शियल डिफरेंशियल के इक्वेशन के अंदर हमेशा या तो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे जबकि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हमेशा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ठीक है और नंबर थ्री जो है इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं ठीक है वन आर मोर डिपेंडेंट वेरिएबल इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करें तो आपको पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन मिलेगी तो क्या बनेगी डेफिनेशन फिर कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शल डेरिवेटिव्स हों और वो पार्शल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इनडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए तो उस इक्वेशन को उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं तो अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टू आर मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अकर इज कॉल्ड अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अब uh, कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं तो एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं हम नंबर वन पहली जो एग्जांपल है वो है पार्शियल यू अवर पार्शियल एक्स इज़ इक्वल टू यू प्लस एक्स पार्शियल यू अवर पार्शियल वाई यहाँ पे देखें आ, यू जो है हमारे पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई दीज आर टू तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फिर आ, हम लिख सकते हैं मज़ीद पार्शियल uh, स्केयर z आवर पार्शियल x स्केर प्लस पार्शियल स्केयर z आवर पार्शियल y स्केर इज़ इक्वल टू x स्केर प्लस y स्केयर यहाँ पर देखें जो डिपेंडेंट वेरेबल है वो z है ठीक है इंडिपेंडेंट वेरेबल x और y हैं ठीक है uh, इसी तरह से चलें एक दो एग्जाम्पल्स हम और लिख लेते हैं uh, हम लिख लेते हैं पार्शल स्केर यू अवर पार्शल एक्स स्केर प्लस पार्शल स्केयर यू अवर पार्शल वाई स्केयर इक्वल टू ज़ीरो आप में से बहुत सारे इसको जानते होंगे लेप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशनल ठीक इन टू डायमेंशन तो ये टू डी में हमारे पास लेप्लास इक्वेशन है थ्री डी में भी हम लेप्लास इक्वेशन लिख सकते हैं क्या करेंगे जस्ट इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर एक फैक्टर हम ऐड कर देंगे वो फैक्टर है पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल जी स्केयर चलें लिख लेते हैं हम पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल वाई स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर यू ओवर पार्शियल जी स्केयर इक्वल टू जीरो दिस इज लेप इक्वेशन इन थ्री डी इसी तरह से हम लिख लेते हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन हम लिख लेते हैं तो दिस इज पार्शल स्केयर यू आवर पार्शल एक्स स्केयर इज़ इक्वल टू वन आवर के पार्शल यू आवर पार्शल टी दिस इज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन ठीक है यह है हमारे पास वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। अगर आप टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जस्ट ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई स्केर ऐड करना होगा यानी हम लिख लेते हैं पार्शियल स्केयर यू और पार्शियल एक्स केयर प्लस पार्शियल स्केर यू और पार्शियल वाई स्केयर इज इक्वल टू वन आवर के पार्शियल यू और पार्शियल टी तो अब ये हमारे पास टू डायमेंशनल हीट इक्वेशन है ठीक है हीट इक्वेशन और थ्री डायमेंशनल हीट इक्वेशन के लिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में एक फैक्टर होर यहाँ पे ऐड करना होगा पार्शल स्केयर ओवर पार्शल जी स्केयर नंबर फोर एग्जांपल हम देख लेते हैं दिस इज पार्शल स्केयर यू आवर पार्शल एक्स स्केयर इज इक्वल टू वन आवर सी स्केयर पार्शल स्केयर यू अवर पार्शियल टी स्केयर तो पार्शियल पार्शल यू योर पार्शियल एक्स स्केर इक्वल टू वन बाई सी स्केयर पार्श यू योर पार्शियल टी स्केयर दिस इज वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन वेव इक्वेशन तो ये वेव इक्वेशन है वन डी में ठीक है अच्छा अगर आपको टू डी में चाहिए वेव इक्वेशन तो आपने इस लेफ्टाइड में पार्शल स्केर यू और पार्शल वाई स्केयर ऐड करना है और अगर आपको थ्री डी में वेव इक्वेशन चाहिए तो आपने इस लेफ्ट हैंड साइड में पार्शल स्केयर यू और पार्शल जी स्केयर ऐड करना है कब टू डी वेव इक्वेशन में पार्शल स्केर यू और पार्शल जी स्केयर ऐड करना है तो पार्शल स्केर यू अवर पार्शल एक्स स्केर प्लस पार्शल स्केयर यू और पार्शल वाई स्केयर दिस इज़ टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन और थ्री के लिए आपने इस लेफ्ट हैंड साइड में पार्शेस के रियोर पार्शस जीस के ऐड करना है आज का हमारा लेक्चर यहीं तक है नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे ठीक है और कुछ एग्जांपल्स की मदद से उसको एक्सप्लेन भी करेंगे और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल Uh, stay with me and uh, keep watching my videos. Thank you so much.